आखिर आज अदरस जीव के बारे में पता चली गया, कौन है जो अदरस जीव बनकर बर्ड हाउस में बर्ड को मार रहा था। कॉकरोच दिख नहीं रहा है, जो व्हाइट वाला कॉकरोच वो कहीं कॉकरोच दिख नहीं रहा है, इससे भी अंडे छोड़ के बजीज कहीं भाग गई है। बजीज वाले बॉक्स में क्या कर रही है? उस तरफ जल्दी पकड़ो, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें इसमें हमने बहुत सारे, ये मलक से लेकर आया था, इसमें बहुत सारे बर्ड हाउस के अंदर से जो चूहे थे वो चूहे को पकड़ा था, और वो चूहे छोटे बड़े साइज़ के थे। मुझे लगता था चूहों का ये काम होगा, बट ट्रस्ट मी दोस्तों, ये चूहे का काम नहीं था। इसमें से मैंने बहुत सारे चूहों को मैंने भगाया था। आज मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा। देख रहे हो ये केज, इस केज का मुँह मैंने खोल रखा था, मैं दो तीन दिन से ये ट्राई करा था, और यहाँ से पूरा मैंने रात को खोल रखा था, और यहाँ मैंने दाना रख रखा था कि इस केज को में कोई इतने बड़े केज में अगर बड़ा क्रिएचर होगा तो आएगा। बेसिकली रास्ता हमारा दो तरफ से, इधर भी आप देखोगे पीछे साइड पूरा खाली है। देखो वो जो पीछे से तरफ आप देख लो ना, उस तरफ है वो उस तरफ, उधर से भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। नेवले हो गए, और भी स्नेक का तो काम नहीं हो सकता, सांप तो इतना ऊपर आना पॉसिबल नहीं है, वो मुझे पता है। बट इस तार के थ्रू, जो ब्लैक तार आप यहाँ पर आगे देख रहे हो, तार के थ्रू भी चांसेस है कि बहुत सारे आए। गड्ढा जिसने भी खोदा था यहाँ पे, पिछले दो दिन से कोई गड्ढा नहीं खोद रहा है, लेकिन 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 मैंने दोबारा से यहाँ पर गोलियाँ डाली थी, तो कुछ स्मेल बहुत तेज आ रही है, अभी बहुत भयानक स्मेल आ रही है। कहाँ इसके नीचे से मैंने सारी सफाई हमने कर दी है, यहाँ से सारा हमने जितनी भी गंदगी थी, और इस तरफ इसके नीचे हमारी जितनी झाड़ियाँ थी, सब कुछ हटा दिया, इनको भी हमने सेट कर दिया है। लेकिन पिछले एक दिन से बहुत भयानक बदबू आ रही है, किधर से आ रही समझ नहीं आ रहा, मिट्टी के अंदर से आ रही है या फिर जो अभी गड्ढों में से आ रही है, कुछ तो स्मेल आ रही है। यानी कि जो हमने गोलियां रखी थी वो उसने ज़रूर गोलियां खाई होगी, उसकी डेथ हो गई होगी, वो कभी ना कभी मिले गई। जो बीमार बर्ड सर्वाइव नहीं कर पाते, मैं उनको यहाँ पे डंप कर देता था, वो शवों को निकाल कर उनके अंदर का ऑर्गन खा के ऐसी जगह ऐसी छोड़ देते थे, बर्ड्स के शव को निकाल के ये खा रहे थे। हद तो तब होने लगी जब बर्ड हाउस के अंदर भी बर्ड्स को काटा जाने लगा, बर्ड्स की डेथ होने लगी। हमें लगा था शायद चूहे होंगे, तो हमने बहुत सारे चूहों को निकाल के फेंक दिया, लेकिन इसके बाद भी जो डेथ का सिलसिला जारी रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी मैंने मिट्टी को दम किया, जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने इस मिट्टी को भरा हुआ है, और एक चीज़ और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर भी इस साइड यहाँ पे देख लो, इधर भी लास्ट में मिट्टी को मैंने अभी डंप किया है, और तीसरी जगह और बता रहा हूँ, यहाँ पे मेन चीज़ था, यहाँ पे इधर भी मिट्टी को डंप किया है। तो आज हमारे घर पर सब्सक्राइबर आए थे जो कि हमारे बजीज को बॉक्स में डालकर ले जा रहे थे। मैंने उनको वो सारी बजीज दे दिया जो कि अंडे पर नहीं थी, फिर क्या तो बजीज को लेकर हमारे साथ सेल्फी खिंचाकर चले गए। मैंने डुग्गू को भी नोटिस करना शुरू कर दिया था कि शायद इसने किया होगा, पर वो कभी आता है और कभी चला जाता है, इसने तो नहीं किया होगा। कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया था कि इस कॉकटेल के मुँह में खून लगा हुआ है और सर के आसपास भी, तो मैंने भी उस दिन बर्ड हाउस के अंदर कैमरा लगा दिया। क्या कारण था कि मैंने इस कॉकटेल को बजीज के बर्ड हाउस में रख दिया, क्योंकि लूसी के आने से पहले 2 साल पहले हमारे घर में नन्ना सा मेहमान टॉम आया था, उसके साथ मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, और घर से मैं इसको हार्नेस पर ही लेकर आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ये अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मैंने यार आओ ना देखा ना ताओ, मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, जय माता दी, और मैंने सारा इसका हार्नेस निकाल दिया। हार्नेस निकालने के बाद, और जब हार्नेस निकाल दिया तो मैंने इसको यहाँ पर जैसे ला के, अरे वाह अब अमरूद ले आए हो, देखिए बच्चा अमरूद आया। फिर देखिए अगर मैं कहीं भी इसको छोड़ दूँ तो सीधा मेरे पास आ जाएगा, आपको मैं दिखा सकता हूँ अगर गाइस एक प्रूफ के लिए। अच्छा बेटा रखो रखो अमरूद, तो बच्चों को मैंने अमरूद के लिए दे दिया, अमरूद तोड़ रहे हैं। गाइस अभी वीडियो देखकर ऐसा भी कुछ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बर्ड्स को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, और हर बर्ड्स एक जैसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपका ही लॉस होगा, अगर वो आपसे दूर चला गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि गाइस टॉम को मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, और साथ में इसको मैंने स्टार्टिंग से अपने पास रखा है। इन फ्यूचर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप कैसे अपने बर्ड को फ्री फ्लाई की ट्रेनिंग दे सकते हैं। कुछ सीक्रेट्स है जो कि मैं अपने बर्ड्स पे अप्लाई करता हूँ, और फ्री फ्लाई की आ जा कम। देखिए गाइस आ गया, वाओ ये देख सकते हो गाइस, ये ट्रेनिंग का नतीजा बताता हूँ, आ जाओ यहाँ पे आओ, ग्रेट वेरी गुड, ये मेरा टॉम है, नो हार्नेस नो फैदर ट्रिम, वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। किसी तरीके कुछ मेरे पे डिपेंडेंट है कि मैं इसको कहीं भी छोड़ दूं मेरे पास भाग के आएगा। पूरा जंगल आप देख सकते हो गाइस, कहीं से पूरा खुला जंगल में आपको thank you.
खाना खाओ। लेकिन एक दिन जब टॉम फ्री फ्लाइट कर रहा था तो उसको बाज ने पकड़ लिया और उसको ले गया। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। उस टाइम तो मैं काफ़ी टॉम के लिए दुखी हो गया था, पर किसी ने मुझे ये छोटा सा लूसी दिया था जो कि काफ़ी बीमार था उन दिनों, पर हमारे प्यार की वजह से काफ़ी बड़ी हो गई थी और लूसी का टच भी काफ़ी था मुझ पर। आप देख ही सकते हो बर्ड हाउस के बाहर भी फ्री फ्लाइट कर रही थी। लेकिन हमने कुछ दिनों से नोटिस किया कि लूसी बजीज की ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर जाना शुरू कर रही थी। जब मैंने ये चीज़ देखा तो मैंने बर्ड एक्सपर्ट को कॉल किया। मैंने कल परसों हुआ कि एक जो मेरा बजीज है उसको केज में सर उसका चिपका हुआ था, उसका सर काफ़ी फूटा हुआ था, वो कौन कर रहा है? हालांकि मैं वीडियो बना। नहीं नहीं, चूहे मैंने सारे अपने घर से साफ कर दिए थे, पूरे साफ हटाने के बाद भी ये हो रहा है, इसके बाद भी हो रहा है, और फीमेल के पूरे मुंह में ना खून ही खून लगा हुआ था। या फिर कौन कर सकता है, प्लीज यार थोड़ा हेल्प करो। देखो कभी ऐसा भी होता है, मैंने ना ये दिक्कत, मैंने बॉक्स हटाना शुरू कर दिया था जिसमें 4 या 5 बॉक्स बचे हुए थे, सारे बॉक्स हटा दिए। अब दिक्कत क्या है, इसमें मेरे मेल ज्यादा फीमेल कम होती आ रही है। छोटे चूहे बहुत आतंक करते हैं, मेरे यहाँ पे लबर्ड को बहुत मारा था छोटे चूहों ने, तो उनसे बहुत दिक्कत होती है। उसके अलावा या तो फिर ये होता है कि केज में स्नेक वगैरह छुप जाता, छोटा सांप आप तो मुझे दिखा नहीं। लेकिन जो मेरा बाहर तो, अगर तुमने मेरे वीडियो में देखा होगा ना भाई, बाहर किसी ने सुरंग वुरंग बनाना शुरू कर दिया गड्ढा खोद, वो ऐसा होता है खा लेते हैं, ऐसा हुआ कि आपने जब करा होगा तो उसको डीकम्पोज भी हो गई होगी वो कुछ, और कुछ उसके चूहे ने खा भी लिया होगा। मुझे इसमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया भाई। मैंने कहा एक बार पूछ लेता हूँ आपसे क्या दिक्कत है। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखो कि पंखे में तो खून लगा हुआ है और मर रहा है, क्योंकि इससे भी मैंने काफी टाइम पहले वीडियो डाली थी, मेरी कॉलोनी में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वो जो बच्चे नीचे गिर जाते थे उन बच्चों को मार के खा लेता था। और आज भी जो हमने लूसी को बजीज के ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर जाते देखा तो मेरा शक यकीन बदलता जा रहा था। सबसे पहले तो मैंने लूसी को उस जगह से अलग कर दिया और देखने लगा कि अगर एक दो दिन में कुछ नहीं हुआ तो इसने ही सब किया होगा। आज शाम को लूसी को मैं उस जगह ले गया जहां पर मैंने लूसी को फर्स्ट टाइम फ्री फ्लाइट करवाया था, और उस टाइम पे सोचने लगा कि 2 साल से ऊपर हो गए लूसी को, और लूसी ने 2 बार एग्स दिए थे और दोनों बार एग्स अनफर्टाइल थे। शायद इसकी वजह से डिप्रेशन में तो लूसी ये सब नहीं कर रही थी। मैं सब सोच ही रहा था कि ट्रक की हॉर्न की वजह से लूसी मेरे हाथ से उड़ गई, लेकिन दोबारा से फिर से वापस आने लगी पर उस खंडर के अंदर चली गई। सर इसके अंदर गया, जाओगे हैं? पता नहीं यार क्या ये, पहली बार मैं जबकि घर से 5 बढ़ता पहली बार मैं क्या ये तो